बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, फूलों की घाटी कहाँ है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी बिहार। नवगछिया बहुत याद आएगा, एसडीओ मुकेश कुमार। नवगछिया के पूर्व एसडीओ मुकेश कुमार का स्थानीय माड़वाड़ी धर्मशाला में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन नवगछिया की सामाजिक संस्था बाबा गणनाथ सेवा समिति, विश्व हिंदू परिषद, संपूर्ण वैश्य समाज एवं सांब शिव सेवा संगठन के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व एसडीओ मुकेश कुमार का विदाई एवं नए एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार का सम्मान संस्थाओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवेंद भारती सहित कई अन्य मौजूद थे। समारोह में एसडीओ मुकेश कुमार ने कहा कि नवगछिया उनको बहुत याद आएगा, नवगछिया के लोगों का भरपूर सहयोग रहा जिससे उन्होंने अपने कई सामाजिक कार्यक्रमों में इच्छा जाहिर की और नवगछिया में भी विकास तीव्र गति से हुआ। मौके पर एसडीपीओ प्रवेंद भारती ने भी एसडीओ मुकेश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में मंच संचालन बाबा गणिनाथ सेवा समिति के संरक्षक निरंजन शाह ने बखूबी निभाया। कार्यक्रम में बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण भगत, सीएनजीएन के चंद्रगुप्त शाह, सावित्री पब्लिक स्कूल के निर्देशक राम कुमार साहू, बाल भारती के प्रशासक डीपी सिंह, समाज सेवी अजय रुंगटा, पवन सराफ, राम प्रकाश रुंगटा, सुभाष चंद्र वर्मा, खेल संघ के सचिव घनश्याम प्रसाद, जेम्स फाइटर डॉक्टर अनंत विक्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनु चौरसिया, सुजीत कुमार, राजेश मणि, शंकर शाह, अरविंद शाह, विशाल गुप्ता, मिथुन महुआ मधेसिया, राजू वाट, राजीव कुमार, प्रवीण कुमार, पिंकू, स्वर्णिम कुमार सहित सैकड़ों गणमान्य उपस्थित थे। चेहरे पर से खुशी दिखता है, दिल अंदर से रोता है, ऐसा आपने दिन सामने क्या किया है। आज मेरे सभी दोस्त यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, बड़ो बाबू जी, अंजन जी, यहाँ सिंह राजपूत जी, सुमित जी, प्लान था नवगछिया के बारे में। मैं संत से हूँ, जब मेरा नवगछिया पर स्थापन हुआ था तो मन में एक अजीब सा भय था, ये कौन से देवर में मैं चला गया और पता नहीं क्यों मेरा प्रस्थापन नवगछिया हुआ। आज मुझे लगता है कि शायद ये प्रारब्ध था और इतनी लोकप्रियता मुझे किसी भी प्रस्थापन में नहीं मिला जितना मुझे अनुभव करता है। दिल में कुछ तमन्नाएं थी कि मैं उन सभी कार्यों को करूं, जहां कहीं भी अपनी इच्छाएं रखी, आप सबों ने बढ़ चढ़ करके उसको पूरा करने का कोशिश किया। अभी मैं इस मीटिंग हॉल में खड़ा हूं, मुझे याद है इसी मीटिंग हॉल के किसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि पवन बाबू, अगर ये सेटेलाइट ऐसी हो जाता तो ये हॉल बहुत ही अच्छा हो जाता। और आज मैं जब अगली बार आया हूं, मैं देख रहा हूं सभी जगह ऐसी लगे हुए हैं, काफी सुसज्जित हो गए हैं। अब इस हॉल में घुसते ही मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं शब्दों से उसको बयान नहीं कर सकता। मैंने किसी कार्यक्रम में अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि हमारी इच्छा है कि नवगछिया में नेकी की दीवार हो, जहां पर लोग अपने पुराने या नए कपड़े ला करके रखे और वो जरूरतमंदों के बीच बांटा जाए। मैंने सोचा था कि शायद से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ, उन लोगों ने हर समय बढ़ चढ़ करके प्रशासन का सहयोग दिया, मुझे आपकी जरूरत थी और आप लोगों ने मेरे तरफ हर समय कदम बढ़ाया। किसी भी पदाधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वहां के लोगों के बारे में समझे, वहां की आवश्यकताओं के बारे में।
नवगछिया नए का स्वागत व पुराने को भावपूर्ण विदाई। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में नवगछिया के नए अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार का स्वागत किया गया तो दूसरी तरफ पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार को भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर सभा का संचालन गोपालपुर की वीडियो प्रियंका कर रही थी। मौके पर अनुमंडल कर्मियों ने मुकेश कुमार के कार्यकाल की तारीफ की और नए एसडीओ अखिलेश कुमार का स्वागत करते हुए सामंजस्य के साथ कार्य में सहभागिता दिखाने का वादा भी किया। डीसीएलआर परमानंद शाह ने कहा कि स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति के बाद विदाई समारोह का कोई कार्मिक विधान नहीं है, लेकिन जब हम लोग एक साथ काम करते हैं तो कई खट्टे मीठे अनुभव हमारे बीच उठते हैं और एक दूसरे के बीच में एक में स्थापित होता है जो हमारी वास्तविक पूंजी होती है। अपने संबोधन के क्रम में डीसीएलआर परमानंद शाह काफी भावुक हो गए। वहीं मौके पर नौगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवीण कुमार भारती ने कहा कि एसडीओ मुकेश कुमार के साथ उन्होंने 2 वर्ष काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। इन 2 वर्षों में उन लोगों ने बेहतर सामंजस्य के साथ काम किया और जनता की सेवा की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से नौगछिया के नए एसडीओ अखिलेश कुमार काफी अनुभवी और दूरदर्शी पदाधिकारी हैं, इसलिए उम्मीद है कि उनके साथ भी पुलिस का बेहतर सामंजस्य होगा। अपने ही विदाई समारोह में निवर्तमान एसडीओ मुकेश कुमार ने कहा कि अपने कार्यकाल में सेवा भाव से कार्य किया और सबों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। मौके पर अवकाश प्राप्त कार्यपालक पदाधिकारी प्रकाश कुमार सिन्हा, स्थानांतरित लिपिक दीपक कुमार को भी भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर नौगछिया के नए स्टोनो विधान चंद्र झा, जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, पारसनाथ साहू, उमेश पटेल, चिरंजीवी राय सहित कई अन्य उपस्थित थे। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-339-6666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680, 8229-56905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। नवगछिया मास्किंग अभियान में 163 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई है। जांच अभियान में कुल 163 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 8150 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 11 वाहन से 11000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि मंगलवार को कुल 140 लोगों की जांच की गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा 25 लोगों का सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया है। स्पर संख्या 9 के डाउन स्ट्रीम में भीषण कटाव, ध्वस्त हुए भाग को रिस्टोर करने का कार्य प्रारंभ। बिनटोली के निकट स्पर संख्या 9 के डाउन स्ट्रीम में मंगलवार की दोपहर को भीषण कटाव होने से जल संसाधन विभाग में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष इंजीनियर गिरजानंद सिंह, अधीक्षण अभियंता इंजीनियर मोहम्मद जफर, आसिद खान वगैरह कटाव स्थल पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार स्पर संख्या 9 के डाउन स्ट्रीम में बोल्डर पिचिंग कार्य कटाव निरोधी कार्य के तहत करवाया गया था। सोमवार की देर रात को लगभग 30-40 मीटर में अचानक कटाव होने से कराया गया बोल्डर पिचिंग कार्य 30-40 मीटर ध्वस्त होकर गंगा नदी में समा गया। मंगलवार की दोपहर को वरीय अभियंताओं के निर्देश व मौजूदगी में बालू भरी बोरियों व हाथी पांव से ध्वस्त किए गए भाग को रिस्टोर करने का प्रयास किया गया। नवगछिया आर्म्स एक्ट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर गोपालपुर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा निवासी अजीत मंडल, चमकलाल मंडल एवं हरदेव मंडल उर्फ हरद्वार मंडल शामिल हैं। गोपालपुर थाने के सहायक अवर निरीक्षक जयशंकर भट्ट एवं पुलिस टीम द्वारा की गई छापेमारी में पुलिस को सफलता मिली है।
खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। सभी आरोपियों को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 72 95 830 773 93 043 67 170।